हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अंबिका सुपर किचन की होस्ट और आज मैं लेके आई हूँ 5 मिनट में बनने वाला बहुत सारी वेजिटेबल से भरपूर, चीज बटर से भरपूर देसी बर्गर यानी तवा मसाला बन की रेसिपी, जो कि है एक बहुत ही फेमस इंडियन स्ट्रीट फूड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। इंग्रेडिएंट्स में यहाँ पे मैंने लिया है एक टमाटर, एक प्याज, एक शिमला मिर्च और 2 छोटी हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला और 1/4 छोटा चम्मच हल्दी। तो इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 उबले हुए आलू। तो सबसे पहले हम एक पैन में 4 छोटे चम्मच तेल गरम करेंगे, उसमें हम डालेंगे जीरा, जीरा थोड़ा तिड़क जाए अच्छे से, उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। तो ये देखिए प्याज मैंने डाल दिए हैं। अब जो है हम प्याज को थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च और जो हमने काट के रखी हुई थी 2 हरी मिर्च। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हमें तब तक सेकना है मीडियम फ्लेम पे जब तक ये अच्छे से सिक ना जाए। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे जो वेजिटेबल्स हैं वो सिक चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे मसाला का जो हमने मिक्सचर बनाया था, इसे आप 30 सेकेंड के लिए सेक लीजिए और इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो ध्यान रखिएगा टमाटर यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं। टमाटर डालने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक हम इसलिए डालते हैं ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से गल जाए और सिक जाए। तो यहाँ पे नमक डालने के बाद इन्हें मैं मिक्स कर देती हूँ अच्छे से और इसके बाद जो है हम इसे कवर करके पका लेंगे। तो यहाँ पे हम कवर करके तकरीबन 1 मिनट के लिए पकाएंगे। तो ये देखिए 1 मिनट के बाद जो हमारे टमाटर हैं और जो सारी वेजिटेबल्स हैं वो अच्छे से पक चुकी हैं, थोड़ी गल भी चुकी हैं। तो ये देखिए ये फिलिंग जो है रेडी है। अब इसमें हम डालेंगे आलू, जो उबाल के रखे थे आलू वो मैंने मैश करके इसमें डाल दिए हैं। तो इस मिक्सचर को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए जो आलू है वो सारी वेजिटेबल्स के साथ अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब जो है हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो हमारी जो फिलिंग है वो रेडी है। अब हम यहाँ पे लेंगे 2 मिनी बंस। अगर आपके पास बन अवेलेबल नहीं है तो आप पाव का भी यूज़ कर सकते हैं। जो बन है उसको हम बीच में से काट लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। इसमें जो फिलिंग मैंने बनाई थी बन में भरने के लिए, उसमें मैंने सिर्फ प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च का यूज़ किया है। आप चाहें तो बीन्स का भी यूज़ कर सकते हैं, पनीर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर पत्ता गोभी, फूल गोभी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से जो फिलिंग है हम बीच में इस तरीके से भर देंगे। अगर आप चाहें तो लाल चटनी और हरी चटनी बना के भी एक साइड लाल चटनी लगा सकते हैं नीचे वाले साइड पे और ऊपर वाले साइड पे आप हरी चटनी भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने नहीं लगाई है, वो ऑप्शनल है। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए फिलिंग जो है मैंने भर दी है। अब जो है हम इसे टोस्ट कर लेंगे। तो टोस्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं बटर 2 क्यूब्स और चीज़ लिया है 50 ग्राम। यहाँ पे हम एक तवा गरम करेंगे और तवे पे हम डाल देंगे बटर। तो ये देखिए बटर भी अच्छे से गरम हो चुका है। अब जो है हमने जो बन है जिसके ऊपर हमने फिलिंग लगाई थी उसको हम टोस्ट करने के लिए तवे पे रख देंगे और अब जो है हम जो चीज़ है वो कीस कर इसके ऊपर डाल देंगे। तो चीज़ में आप बिल्कुल भी कमी ना कीजिएगा, जितना हो सके उतना ज़्यादा डाल दीजिएगा। तो ये देखिए चीज़ जो है वो धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो चुका है। अब मैं इसे कवर कर देती हूँ दूसरे बन से और ये देखिए इस तरीके से आप इसको फ्लिप करके अच्छे से टोस्ट कर लीजिए दोनों साइड से। यहाँ पे थोड़ा सा बटर मैंने और डाला है, बटर में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है, जितना ज़्यादा बटर आप डालेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये देखिए इस तरीके से आप इसे सेक लीजिए और साइड साइड में भी इसको आप सेक लीजिए अगर पॉसिबल हो आपके लिए तो। तो ये देखिए जो हमारा देसी बर्गर है, जो हमारा तवा मसाला बन है, वो बिल्कुल बनकर रेडी है। आप इसे सर्व कर सकते हैं टोमेटो केचप या फिर सॉस के साथ, या फिर आप चाहें तो हरी चटनी के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।